नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगांवा प्रखंड के अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत के ग्राम डेबोडी में लोग बिजली विभाग के कर्मी से हैं परेशान। बताया जाता है कि बिजली विभाग के कर्मी के द्वारा ट्रांसफार्मर से लाइन काट कर रख दिया जाता है, जिससे रात में वहाँ बच्चों को पढ़ने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के पंचायत समिति सदस्य नईम उद्दीन से जब इस विषय पर बात की गई तो नईमुद्दीन और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग के कर्मी का बराबर का रवैया है। जब हम लोग कुछ पैसा दे देते हैं तो फिर लाइन को जोड़ देते हैं, पैसा नहीं देने पर लाइन को काट कर रखते हैं। वही वहां के ग्रामीणों से जब इस विषय पर बात की गई तो वहां के ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग कर्मी के द्वारा यह बराबर काम होता है, फिर बिजली विभाग के कर्मी को जब पैसा मिल जाता है तो फिर लाइन जोड़ दिया जाता है। वही वहां के लोगों ने बिजली विभाग के बड़े पदाधिकारी जेई SDO और कोडरमा उपायुक्त से इस विषय पर जांच की मांग की है और इस पर जल्द से जल्द सुधार करने की लोगों ने मांग की है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? नहीं परेशानी, लाइन काट देता हम लोग का। कौन काट देता है? लाइन काट देता है, मिस्त्री काट के चल जाता है। सब काटे मिस्त्री, हमको लाइन नहीं आया, हम लोग पैसा हो गया जाता तो हम कहां दे इतना। अच्छा, हमने गरीब आदमी है, ये तो गरीब आदमी हमने कितना भरे। क्या नाम उसका है जानते हैं आप लोग? कुछ भी दिक्कत होता है तो काट के चल जाता है। पैसा कौड़ी मांग करता है क्या? हर बार पैसा मांगता है, इतना बार भी आता है फॉल्ट होने से उसको पैसा चाहिए। बच्चे लोग रात में पढ़ते लिखते हैं तो अच्छा मतलब बच्चा रात में नहीं पढ़ पाता है ना। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग हम लोग यहाँ पे मिस्त्री को भेजे जो है और इसको ट्रांसफार्मर को सुधारे और सुधार करके ताकि हम लोग को लाइन जो है मिल सके। क्या है कि राजा और चारों तरफ लाइन है और हम लोग का डेबोडी में जो है हम लोग का मोहल्ला सिर्फ जो है लाइन कटा हुआ, बाकी सब तरफ जो है लाइन है। वी टाइम न्यूज के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।